कोलकाता के आरजे मेडिकल कॉलेज में एक डॉक्टर की हत्या के बाद पूरे देश में एक आंदोलन चला और सभी मेडिकल कॉलेजों में जो है ओपीडी सेवा बंद रखी गई। और आज अब देखेंगे तो ये पांचवा दिन है और रिम्स में भी ओपीडी सेवा पूरी तरह से बाधित है। और जो खबरें आ रही हैं, आईएमए की तरफ से एक लेटर जारी हुआ है जिसमें ये कहा गया है 17 तारीख से लेके 18 तारीख तक मतलब तमाम मेडिकल कॉलेज और जो हॉस्पिटल हैं वहाँ किसी भी तरह की सुविधा मरीजों को नहीं मिलेगी। ये एक चिंता की बात है उनके लिए जो मरीज रिम्स में इलाज कराने आते हैं। रिम्स में वैसे लोग आते हैं जो प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज नहीं करा सकते हैं और रिम्स जो है पूरे पूर्वी भारत का एक बड़ा हॉस्पिटल कहा जाता है और यहाँ प्रतिदिन जो है लगभग 5000 से 6000 केस की संख्या में मरीज ओपीडी में आते हैं। ऐसे भी जो रिसेंट जो खबर है और रिम्स में जो है जो पहले से मरीज एडमिट हैं उनका इलाज हो रहा है, गायनों में इलाज हो रहा है और बाकी जो चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे प्रभावित हो रही हैं। ओपीडी सेवा बाधित है और ये गलियारा जो है पूरी तरह से सन्नाटा है और यदि ओपीडी सेवा शुरू होती तो ये तमाम इलाकों में आप देखते हैं कि मरीज भरे रहते थे और इस काउंटर में भीड़ होती थी। और यहाँ देखेंगे कई अलग अलग जिलों से लोग यहाँ पहुँच रहे हैं और जिन्हें जानकारी नहीं है उन्हें परेशानी हो रही है। कहाँ से आप आए? रामगढ़। हाँ, यहाँ तो ओपीडी सेवा बंद है अभी। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग गरीब आदमी हैं, इलाज के लिए आए। अच्छा, इलाज के लिए आए थे, अब क्या करेंगे, अभी तो पूरी तरह से बंद है। तो घर जाएंगे। घर जाएंगे। क्या हो गया था आपको? गैंग्रीन। आप भी साथ में? क्या नाम हो गया? मेरा कबीला देवी। अच्छा, तो यहाँ आए तो अभी तो इलाज हो नहीं रहा है, बंद है। बंद है, हड़ताल है अभी। हाँ, रिम्स में हड़ताल चल रहा है। हड़ताल चल रहा है। आप लोग को पता नहीं था? नहीं। तो अब ऐसे ही वापस चले जाएंगे? नहीं, अभी रहेंगे। नहीं रहेंगे, नहीं रहेंगे। आने जाने में खर्च लगती ना। गरीब आदमी। तो ये देखिए जो मरीजों की जो पीड़ा है वो हम आपको दिखा रहे हैं और ये ओपीडी जो सेवा है वो पूरी तरह से बाधित है और कई जो मरीज आए हैं वहाँ फर्श पे लेटे हुए हैं। कहाँ से आए हैं दीदी? रातू चट्टी से। जी, पता नहीं था कि अभी हड़ताल है, ओपीडी सेवा बंद है। जी, पता नहीं था। यहाँ मतलब किस डॉक्टर से इलाज करता? ये अजय क्या नाम है, अजय बकला की क्या नाम है। जी, अब क्या करेंगे, अब यहाँ तो बंद है जी। कब खुलेगा? दो दिन से तो लौट रहे हैं। दो दिन से लौट रहे हैं। जी हाँ। ये जानकारी आपको नहीं है कि हड़ताल है? नहीं, जानकारी नहीं था, पेपर ऊपर नहीं देखते हैं तो जानकारी नहीं था। इसको दिखाने लाए? इसको दिखाने, बेटी को। हाँ, तो ये देखिएगा, ये इधर से एक सन्नाटा है और कई लोग यहाँ पे पहुँचे हैं, इन्हें मालूम नहीं है। और यहाँ देखिए डॉक्टर से दिखलाने के लिए जो है ये तस्वीर आप देख सकते हैं। ये तस्वीर ये बताती है कि यहाँ रिम्स में इलाज कराने के लिए लोग दूर से यहाँ पहुँचते हैं और बेसुध होकर माँ बेटी सोई हुई है क्योंकि उन्हें पता है कि अभी यहाँ डॉक्टर नहीं मिलेंगे। और जिस तरह से जो यहाँ देखेंगे, ये आप देखेंगे जो टिकट काउंटर है वो पूरी तरह से सन्नाटा है। और यहाँ हम थोड़ा सा बात करेंगे, पूछेंगे कहाँ से आए हैं भैया? भय हो गया, बस एक थोक पूछ लिए, दो थोक पूछ लिए, अब जाइए आप लोग। तो देखिए ये हड़ताल की वजह से लोग परेशान हैं और यही वजह है कि मीडिया से बातचीत करने में कई लोग थोड़ा परहेज भी करते हैं। और इस तरफ की थोड़ी तस्वीर दिखाएंगे प्रशांता, ये पूरी तरह से एक सन्नाटा है और जाहिर सी बात है जब मरीज आ नहीं रहे हैं तो सभी काउंटर जो हैं वो पूरी तरह से बंद है। तो ये हम हाल बता रहे थे रिम्स का। आप भी यहीं काम करते हैं क्या? नहीं, नहीं, अभी हड़ताल में है ना।
टोकन लेना था, वेट कर रहे ढाई घंटे से। कोशिश लगे हुए हैं, तबीयत खराब लग रहा है। तो ये देखेंगे, कई लोग अभी भी आशावान हैं कि यहाँ पे डॉक्टर आएंगे, लेकिन ओपीडी सेवा कंप्लीट बंद है और यहाँ डॉक्टर अभी नहीं आएंगे। और ये देखेंगे, ये काउंटर जो देख सकते हैं, ये काउंटर पूरी तरह से बंद है और एक सन्नाटा है, और ये सन्नाटा ये कहता है कि रिम्स में मरीज अब नहीं आ रहे हैं और मरीजों की पीड़ा कौन सुनेगा। दरअसल ये जो घटना कोलकाता में हुई है, इससे पूरा देश जो है मर्माहत जरूर है, और ये हम जरूर कहा जा सकता है कि जो आरोपी है उसकी अरेस्टिंग हुई है और अब आगे जो है कानूनी कार्रवाई चल रही है। लेकिन इस तरह से लगातार हड़ताल में रहना, हमें लगता है उन मरीजों को परेशानी बढ़ गई है जो यहाँ इलाज कराने आते हैं और जो इलाजरत हैं। और जो अभी की जो खबरें हैं, जिस तरह से मैं बताना चाहूँगा कि 17 और 18 ये दो दिनों तक ये पूरी तरह से डॉक्टर जो हैं कार्य का बहिष्कार करेंगे, ये IMA की चिट्ठी आई है। तो अब समझ सकते हैं कि आने वाले समय में और परेशानी बढ़ेगी। समाचार प्लस के लिए कैमरामैन प्रशांत मित्रा के साथ अंजनी कुमार, रांची।